Assalamualaikum students, आज हमारा 9th mathematics का lecture number 48 है. Previous lecture में हमने 9.3 का question number solve किया था. आज हमें question number 2 करना है. Prove that numbering point of the hypotenuse of the right triangle is equidistant from its vertices. हमें prove करना है कि जो hypotenuse है उसका mid point right triangle का वो उसके vertices से equidistant में है. ठीक है, सबसे पहले हम diagram draw करेंगे. ये हमने क्या करी, एक राइट करनी है. अब हमें क्या करना है, खुद से नाम उनके लेट कर देने हैं. अब जबकि आपको पता है अगर हम इसको नाम देते हैं बी का, इसको बी का, इसको सी का. अब ए वन जो है इसको हमने रखना है 0 0. क्यों? यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है. इसी तरह बी की जो वैल्यू रखेंगे वो ए और 0 लिखेंगे. क्यों? एक्स एक्सिस पे ही लाइक कर रहा है, एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है यहाँ वाई एक्सिस 0 होते हैं. ठीक है, सी पे दोनों हो गए एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी, और डी हम इसका ले लेते हैं मिड पॉइंट. हमें क्या करना है, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है और फिर बताना है कि इसकी वर्सेस से वो इक्विडिस्टेंस है. ठीक है, हमने लेट कर लिए नाउ लेट ए बी आर दी वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल अब डी क्या है हमारे पास, डी इज द मिडिल पॉइंट. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, डी फाइंड करना है. और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला. और मिड पॉइंट फार्मूला हम इन दो पॉइंट्स पे यूज़ करेंगे, ए और सी पे. ठीक, तो हम ए और सी पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे. आपको पता है ये है मिड पॉइंट फार्मूला. अब हमें पॉइंट्स लेने हैं ए और सी के. ठीक है, एक्स वन 0, एक्स टू ए, इसी तरह वाई वन 0, बी ओवर टू. एक्स हमारे पास आ गया ए बाई टू, वाई आ गया ए बाई टू. हमारे पास जो मिड पॉइंट आया है, जो डी पॉइंट आया है, वो है ए बाई टू एंड बी ओवर टू. अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और बताना है ये इक्विडिस्टेंस है. ठीक है, ए पॉइंट है हमारे पास, सी है ए बी. सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है ए डी. ठीक है, सॉरी ए डी में हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमने मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस बताना है. ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ए बाई टू माइनस 0 प्लस बी बाई टू माइनस 0 होल स्केयर. ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर होल 4 प्लस बी स्केयर होल 4. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए डी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, इसको मिनी सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं. इस पर एलसीएम ले लेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर. अब 4 का मतलब हमारे पास होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर पर 2 आ गया. ठीक है, फिर हमने यूज़ किया डिस्टेंस फार्मूला ए डी पे. अब हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है बी बी डी पे. ठीक है, बी पॉइंट है हमारे पास ए जो, ये हमारे पास होगा ए माइनस ए बाई टू होल स्केयर प्लस बी 0 माइनस ए बाई टू होल स्केयर. इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा 2. ठीक है,
अब हमें x के लिए में 2a - 8 = 10 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा माइनस मीटर टू का होल स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर ओवर 4 प्लस बी स्केयर ओवर 4। इसका सिंप्लीफाई आप करेंगे आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 2, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है सी डी पे, ठीक है। जब हम सी डी पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे सी है हमारे पास ए माइनस जीरो यूज करना हमारे पास आएगा फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है ए डी पे बी डी पे सी डी पे, लेकिन हमारी सारी वर्सेस सेम आई है, ठीक है। इसका मतलब है ए डी का डिस्टेंस बी डी का डिस्टेंस इक्वल है सी डी के डिस्टेंस के, ठीक है। हेंस लिमिट पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस वर्सेस, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि हाइपोटेनस के मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है इसकी वर्सेस पे से। और हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड किया है, मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हम लोगों ने इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये प्रूव किया है कि ये इक्वी डिस्टेंस है इसकी वर्सेस से, ठीक है।